तुम लोग को पता कि क्या होने वाला है आज? That's right, guys. Title तुम लोगों ने देख लिया है. And yes, finally, मैं एक 100 Days सीरीज वापस ला रहा हूँ. वापस नहीं, पहली बार मेरे चैनल पे ला रहा हूँ, जो कि होगा Pixelmon के ऊपर. Yes, दोस्तों, यहाँ पे थोड़े बहुत रूल्स हम लोगों ने लगाया है, जो कि हम लोग को 100 Days के अंदर यहाँ पे कम्प्लीट करना है. जो कि है, वी नीड टू, पहली बात तो हम लोगों को तीनों स्टार्टर पोकेमॉन्स पकड़ना है, जो कि है चार्मेंडर, बल्बसोर और स्क्वर्टल, जो कि कैंटो रीजन के स्टार्टर्स है शायद. और उसके साथ साथ हम लोगों को एक लेजेंडरी या फिर अल्टीमेट बॉस पोकेमॉन को हराना है, एक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना है और एक शाइनी पोकेमॉन को पकड़ना है दोस्तों. और हो सके तो दिस इज एन ऑप्शनल, बट हमारे टीम को एटलीस्ट 50 लेवल का तो होना चाहिए. तो एट दिस मोमेंट हमारे पास है टॉर्चिक, जो कि शाइनी है. दिस वोंट बी काउंटिंग एज शाइनी दोस्तों. यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे स्टार्टिंग ही मेरे को यहाँ पे एक पिकाचू दिख रहा है दोस्तों. तो हमारे पास थोड़े बहुत पोकेबॉल्स है, जो कि हम लोग के लिए अच्छी बात है. अगर हो सके तो एक शॉप मिल जाए या फिर मैं पोकेबॉल्स बना पाऊँ तो ठीक है भाई. सो आई गेस आई विल थ्रो माई अल्ट्रा बॉल एट इट. मेरे को पता है पिकाचू को पकड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन लेवल 24 का है ये 200, और शायद ये मैन बहुत ही ज़्यादा क्लोज था ये. लेट मी सी क्या कर सकते हो. फ्लेम चार्ज करूँगा तो क्या? ओह नो, इसने हम लोग को हरा दिया दोस्तों. रिवाइव भी हो गया है पोकेमॉन मेरा. ओके, लेकिन एक HP के है तो ओके, तो ऐसा भी होता है क्या? मेरे को पता नहीं. तो ये तो एक जिम है कि ये है क्या? आई थिंक दिस इज एन जिम. नहीं, ये जिम नहीं. ये एक जिम ही है दोस्तों. तो या थोड़ा बहुत नया लग रहा था, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ जिम तो मैंने पहले भी नहीं देखा है पहले. एक मिनट भाई, ये क्यों है दे? ओ तो मैं क्या, ये क्या था भाई? मेरे को डर लग गया था एकदम से. तो मैं शायद यहाँ पे एक वे पॉइंट लगा सकता हूँ शॉप करके, और यहाँ पे पोकी सेंटर है, जो कि मेरे को चाहिए भाई. तो चलते हैं और पोकी सेंटर से थोड़ा बहुत लेते हैं, हील कर लेते हैं हमारे पोकेमॉन्स को. और वहाँ पे एक और पोकी सेंटर है, जो कि अलग सा है, लाइक डिफरेंट विलेज में नहीं है. ओके, तो हम लोग को पोकेबॉल्स भी चाहिए, जिसके लिए हम लोग को थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए. तो हो सके तो हम लोग थोड़े बहुत पोशंस को शायद बेच के हम लोग कर सकेंगे. तो मैं ज़्यादातर पोशंस यूज़ तो नहीं करता हूँ, बट लेट अस सी किसके लिए हम लोग को. पीपी अप के लिए 5000 मिल रहा है, जो कि हम लोग थोड़े बहुत चांसेस है हमारे पास फाइटिंग के. और ऑलरेडी लग रहा है यहाँ पे पहला दिन हमारा कंप्लीट होने वाला है भाई साहब. सो बट लिलीपॉप यार, हम लोग को लेवल अप भी होना है, तो थोड़ा बहुत फाइट तो करना पड़ेगा. फ्लेम चार्ज करके देखता हूँ क्या हमारा शाइनी टॉर्चिक कितना पावरफुल है. ओह दैट्स ए नाइस डैमेज यार, नाइस डैमेज. एंड दे यू गो, यू नो थोड़े बहुत लेवल होना ही है भाई हम लोग को. और हम लोग पता नहीं कि लेजेंडरी पोकेमॉन तक हम लोग को क्या बोलते हैं, मास्टर बॉल मिलेगा कि नहीं, वो भी नहीं पता हम लोगों को. सो दैट विल बी एन इशू, ए ग्रेट इशू. और ये क्या है? वीडल. ओके, तो ये लेवल 2 का ही है, तो इसको मैं हराता हूँ दोस्तों. आजा भाई, फ्लेम चार्ज यूज करता हूँ इसके ऊपर, और ये गया वीडल दोस्तों. ऑलराइट, जगून. और पूरा रात मैं देखा कि कहीं मेरे को कुछ शाइनी वाइनी कुछ दिखेगा तो मैं स्टार्टर पोकेमोन्स को. वेट अ मिनट, दैट्स ए शाइनी. ओ माय गॉड, आई नीड टू ट्राई टू कैच दैट पोकेमोन यार, कैसे भी करके उसको पकड़ना है हम लोगों को. क्विक अटैक करूंगा, होपफुली इसको मारूंगा नहीं. ओके दैट्स ओके. लेट्स सी कैन वी कैच इट. यस दोस्तों, हम लोगों ने एक शाइनी को पकड़ लिया, और वो भी डिट्टो में कन्वर्ट हो गया. वो ओके, तो मैं देखना चाहूंगा कि मैंने स्पॉन रेट कितना रखा है. डिट्टो ट्रांसफॉर्म रेट 0.1 है भाई. 0.1 मतलब शायद 1% कुछ आएगा, उसमें भी हम लोग को स्पॉन हो गया. वेल दैट्स ऑसम यार. यहाँ पे प्लसल है जिसको मैं जरूर पकड़ना चाहूंगा यार. फ्लेचलिंग, यस आई डेफिनेटली नीड ए फ्लेचलिंग. यहाँ पे हम लोग को फ्लेचलिंग चाहिए दोस्तों.
तो हम लोग थोड़े बहुत फ्लिक अटैक्स और एक काम करता हूँ भाई, ये भी फायर टाइप ही है बट फ्लाइंग टाइप भी तो है ये, सो अच्छा प्रोग्रेशन नहीं हुआ एंड दे यू गो, हम लोग ने एक फ्लिचलिंग पकड़ लिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक एस्पर है जिसको मैं जरूर पकड़ने को कोशिश करूँगा। आई थिंक दिस इज अ डार्क टाइप पोकेमोन, ये लिटी से ज़्यादा है और ये पकड़ लिया दोस्तों हम लोगों ने एस्पर को, और यह हम लोगों ने पिज्जी को भी पकड़ लिया दोस्तों। आज के दिन हम लाइक द सेकेंड डे इज द डे दोस्तों, पहले दिन हम लोग थोड़ा सेटल हो रहा था शायद, पता नहीं। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई ओके पूरी तरह अंदर है, पेड़ के अंदर है ओके। थोड़े बहुत हम लोग को ये मिले हैं तो हम लोग थोड़े बहुत पैसे के लिए ये पीपी अप वो सब हम लोग बेच सकते हैं चाहिए तो ओके। तो एलिक्सर भी ले लिया हम लोगों ने, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, बट मेरे को नहीं लगता है इसमें पोकी सेंटर है। लेकिन यहाँ पे एक मास्टर बॉल का ये है यार, सोच लो okay, पावर लेंस मिला है तो पावर का एचपी ट्रेनिंग दे सकते हैं इसको। ओके तो हम लोग ये वाला पोकेमोन से ट्राई करते हैं इसको, क्या मैं पैरालिसिस कर पाऊंगा क्या प्लीज यार। और यस, तो हम लोग ने इसको भी पकड़ लिया दोस्तों। बाय द वे अभी भी लेवल टू डे टू कंप्लीट होने वाला है अपना, डे थ्री पे एंटर करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स सी कि क्या हम लोग अभी इसको डिफीट कर पाएंगे क्या। ये लगता है ग्रास टाइप का जिम है। हे व्हाट्सअप मैन, जस्ट लाइक दैट हमारा टॉर्चिक यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये डिफीट करते करते हम लोगों ने यार ये अच्छा प्लेस है, मतलब मेरा जो भाई को कहा चला गया मैं तुम यार ओके कंबस्कान में ये बदल गया है डबल किक, ये सीख रहा है। आई थिंक आई विल टेक आउट स्क्रैच और ये दिखा दूंगा एंड देयर यू गो वी डिफीटेड दिस गाय टू। तो ओके तो एनी वेज तो मैं चाहूँगा कि मेरा एस्पर यहाँ पे आ जाए एंड या तो अभी जो भी अटैक करेगा वो एस्पर का करेगा। सो एनीवेज लेट्स गो अप, लगता है यहाँ पे अपना एक और जिम लीडर होगा ओके। डिगलेट निकाला है इसने यहाँ पे, साई बीम करता हूँ, बाय बाय टाटा गुड बाय करता हूँ सबका। हमारे एस्पर भी लेवल 24 का हो गया है दोस्तों यहाँ पे। आए भाई नहीं तुम लोग सब कुछ नहीं कर पाओगे भाई, हमारे एस्पर बस आ रहा है सबको हरा निकाल रहा है भाई, क्या ही है भाई। पोकी हील कर लूँ मैं और यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत जूम इन कर लूँ भाई, थोड़ा बहुत तो दिखे हमारे यहाँ पे लोगों को कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक अपना थंडर वेव करके इसको मैं अगर भाई पहला अटैक अगर मेरा होता तो शायद हम लोग कुछ कर पाते। तो लेट्स सी, केलियो स्पेशल अटैक वाज इंक्रीज एस्पर यूज कन्फ्यूजन ओके, बोलने वाला था लेकिन हम लोग को यहाँ पे रन करना पड़ेगा।
तो अभी अभी हम लोग को सूद बेल मिला है दोस्तों. सो वी आर इन डे 4 और या डे 4 का रात है ये, लाइक एंड होने वाला है. तो हम लोग डे 5 पे एंटर होने वाले हैं. सो या दैट्स दैट सूथिंग बेल जो है हम लोग को ये फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए काम आएगा अपने रियोलू के लिए. और हाँ, मैं ट्राई करूँगा PCB बनाने के लिए. सो आई जस्ट लेवल अप माई पोकेमोन्स राइट नाउ दोस्तों. सो प्रोग्रेस टाइम दोस्तों. तो हम लोग डे 7 पे और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पोकेमोन्स. यहाँ पे 2 पोकेमोन्स हमारे इवॉल्व हो चुके हैं. 3 पोकेमोन्स, एक फ्लिचिंडर, एक मियोस्टिक और पिजियोटो हो चुका है. इसमें हमारे पास मियोस्टिक ऑफकोर्स 36 लेवल का है. और ये देखो दोस्तों, हमारा लाइक एक स्टार्टर पोकेमोन बोल सकते हो, क्योंकि देखो दोस्तों इसका एवोल्यूशन ही है ये. So I would definitely want to go ahead and catch this guy. और ये बोलूँगा कि मैंने एक starter Pokemon को पकड़ लिया है. यहाँ पे बोलूँ we'll try slash, hopefully इसको मार ना डालू मैं. और ये मैंने इसको मार डाला यार. ओके, वहाँ पे मेरे को एक और दिख रहा है. यस, तो वहाँ पे वो पकड़ने के लिए चलते हैं दोस्तों. तो तो हम लोग ने पहला स्टार्टअप पोकेमोन हम लोग का पकड़ लिया है यहाँ पे दोस्तों. तो मैं पोकी हील कर लूं यार. ये सही टाइम है मेरे को लगता है एक पीसी के लिए हम लोग को लाइक डिगिंग करना चाहिए. सो या लेट्स जस्ट गेट डिगिंग दोस्तों. सो ऑलराइट दोस्तों, तो 2 दिन अंडर माइन में. ओ माय गॉड, व्हाट सुपर. ओके, तो हम लोगों ने मेघोनियम को भी पकड़ लिया है. तो अगर देखोगे तो मेरा इन्वेंटरी, ओके सॉरी, मेरा इन्वेंटरी पूरा भरा पड़ा है. और यहाँ पे एक एल्यूमिनियम प्लेट है जो कि मैंने वहाँ से डिस्ट्रॉय किया, जो कि मैंने टेलीपोर्टर लगाया था वहाँ पे. सो या राइट नाउ आई विल डू दैट. एंड आप फिर बनाते वक्त मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से. तो एक और दिन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. तो हम लोग एक और फॉरेस्ट में आए, यहाँ पे ये चीज़ है. तो आगे बढ़ते हैं यार. तो मैं, ओ माय गॉड, आर सेकेंड स्टार्टर पोकेमोन एंड बल्बसर. ओके, तो इसका लेवल बहुत ही कम है. तो आई थिंक मैं इसको डायरेक्ट पकड़ने को कोशिश कर सकता हूँ. लेवल्स बढ़ा लेता हूँ तो यही प्रॉब्लम होता है. और ये हम लोगों ने पहले ही उसमें हम लोगों ने बल्बसोर को पकड़ लिया है दोस्तों. आई थिंक दिस इज लेवल डे 13 आई गेस दोस्तों. ओके, तो फाइनली आई थिंक डे 20 आई गेस या फिर 25 है शायद. सो हम लोग के पोकेमोन सारे 50 लेवल के आगे हो गए, जो कि हमारा एक और ऑप्शनल जो हम लोगों ने सोचा था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है. तो यहाँ पे लेवल 70 का लेजेंडरीज आते हैं. तो मैं ट्राई करता हूँ. ओके वेल, ये हो रहे हो. सो एनीवेज, देखा जाए तो क्या हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं. यस, हम लोगों ने एक लेजेंडरी को पकड़ लिया. व्हाट, यस हम लोगों ने एक लेजेंडरी को पकड़ लिया दोस्तों, वो भी एक नॉर्मल पोकेबॉल में. रात हो रहा है फिर से.
हम लोग को अपना पोकीबॉल्स वेस्ट नहीं करना है भाई, हम लोग को पीसी तुरंत ही बनाना है। और होपफुली जब मैं ये बीच में हूँ तभी बारिश हो जाए, तो शायद 50 डेज भी नहीं लगेंगे हम लोग को पूरा कंप्लीट करने में। बट एनीवेज हम लोग को अभी भी स्क्वेटल चाहिए और एल्यूमिनियम ढूंढ रहा हूँ मैं। सो या लेट्स गो। सो यहाँ पे हम लोगों को एक सेलेबी का श्राइन मिला है दोस्तों, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली उसको कैसे करते हैं, बट आई थिंक हम लोग को मास्टर बॉल की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, तो मे बी या मास्टर बॉल या फिर बीस्ट बॉल होने से होगा शायद। बट या आई डोंट थिंक हम लोग को इसको ऐसे ही स्पॉन कर पाएंगे। बट आई थिंक मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि अभी मैं एक शॉप जाऊँगा और थोड़े चीज़ें बेचूंगा, एंड आई थिंक डिगिंग माइट बी द बेस्ट ऑप्शन हमारे को हमारे पास अभी है दिस मोमेंट दोस्तों। सो ऑलराइट दोस्तों, वी आर हाफ वे थ्रू और हम लोग को जो भी मिला है हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ओके मैं आयरन बना रहा था तो लास्ट टाइम ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पीसी दबाऊंगा तो या मेरे को ग्लोस्टोन डस्ट भी चाहिए, जो कि कुछ तो पोकेमोन है जो ड्रॉप करता है, तो मेरे को वो भी देखना पड़ेगा। तो जितना हो सके उतना पहले तो यहाँ पे मैं 3 मेरे को एल्यूम इंगेट्स चाहिए भाई, बाकी के जाए भाड में, आई विल जस्ट गेट देम। ओके और आई जस्ट मेक दीज थिंग्स एंड आई जस्ट गीट माई सेल्फ दोस्तों। तो मैंने डिगिंग किया 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 और फिर ऊपर आके यहाँ पे एक स्टेशन लगा लिया, फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दोस्तों सब कुछ। तो हम लोग को एक एनविल भी चाहिए, जिसके लिए यप हमारे पास आयरन है, इसलिए मैं आयरन भी जला रहा था वहाँ पे दोस्तों। तो हम लोग को स्टिक्स की ज़रूरत है दिस मोमेंट, क्योंकि हम लोग को एक हैमर बनाना है, जिसके लिए मैं बाहर जाता हूँ और या स्टिक्स लेके आता हूँ दोस्तों। एक्चुअली ये काम करता हूँ, ये सब कुछ मैं ऊपर ही लेके जाता हूँ, यू नो फिर मैं अगर भूल गया कि यहाँ पे आना है मेरे को वापस कहाँ से आना करके, तो आई जस्ट यू नो इससे अच्छा मैं ऊपर ही चलता हूँ। ओ भाई, वेल दैट वाज वन ऑफ एन हेल ऑफ ए डे दोस्तों भाई, मेरे को ये करते हुए ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना देर हो रहा है मेरे को वो भी नहीं पता है। सो वी नीड एन हैमर एट दिस मोमेंट, तो ये तू चले जा भाई पहले, तो कहीं पे भी प्लेस हो जाता है ये। ओके तो स्टिक्स हम लोगों ने बना दिया है, तो हैमर बनाने के लिए हमारे पास आयरन नहीं है। ओके आर देयर एनी रूबी? ओके रूबी भी है, गोल्ड भी है, रूबी हमारे पास पड़ा हुआ है तो रूबी का बनाता हूँ। इससे क्या है कि ज़्यादा तेज बनेगा, सो अभी हम लोग को रूबी की भी ज़रूरत नहीं है। सो देख सकते हो यहाँ पे बन भी जा रहा है यहाँ पे ये। ओके हमको ग्लास भी चाहिए भाई। ओके ग्लास तो बन जाएगा, बस हम लोग को ग्लोस्टोन की ज़रूरत है। बीच कौन सा पोकेमोन को हराने से मिलेगा? आई थिंक so I'll have to go back and dig for 1 or 2 more days and यार ओके हम लोग को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पिकैक्स बना के जाता हूँ दोस्तों। आई डोंट थिंक ये पिकैक्स काम आएगा भी, बट या जो होगा सो होगा दोस्तों, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जो आइटम्स है वही लेके जाना पड़ेगा। मेरे को लगा था मैं इनको क्रिस्टल्स को बेच सकूंगा, लेकिन अपेरेंटली नहीं कर सकता। सो एनीवेज लेट्स गो दोस्तों, ऑब्सिडियन को ढूंढते हैं। इतना ही हाइट था क्या? आई डोंट थिंक सो, इतना ही हाइट था। और मैं बॉक्साइट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इतना मुश्किल से मिला था मेरे को भैया। ओके तो यहाँ पे और एक फ्लोर आ जाएगा। There we go. I think that should be good enough. और चलो दोस्तों, finally we are. एक मिनट, मेरे पास मैंने पिकैक्स ही लेके नहीं आया यार मैं। ओके तो मैं यहाँ पे इससे भी उड़ सकता हूँ, वो चीज़ भूल गया मैं। और लगता है यहाँ पे ही है हमारे लिए ग्लो स्टोन, तो
Well, there we go. We have got ourselves some glowstones. और यहाँ पे मैं डैमेज लेते हुए नीचे गिर रहा हूँ. No problem हो. ये और मजेदार. ओह बारिश भी गिर रहा है. Okay, तो this is a very nice time on बाद दोस्तों. तो पहले तो हम लोग को ये बनाना है यहाँ पे. तो ये बन गया दोस्तों हमारा PC finally. And there we go. Oh my God. तो हम लोग कुछ पोकेमॉन्स है जैसे कि डिट्टो पीजियोट को निकाल दूंगा मैं. ग्रास ट्रैप नहीं है तो ग्रास ट्रैप ये लगा लूंगा. बॉस अल्टीमेट. ए वेट, हम लोग ने बॉस को भी हराया नहीं है अभी जी. ओ मैं उसके बारे में कैसे भूल गया. तो चलो देखते हैं दोस्तों क्या हम लोग. ओ नो, हम लोग का पोकेमॉन का हेल्थ नहीं है भाई. क्विक अटैक करके देखता हूँ. हम लोग का पोकेमॉन का हेल्थ नहीं है. मैंने ये देखा नहीं, ये कैसे कर दिया मैंने. ऐसा नहीं करना था भाई, मेरे को रन करना है. पोकी हील. ओके, इवन दो आई डोंट थिंक मैं इतना अच्छा लेवल का हूँ. ओके, ये लेजेंडरी है. आई कैन ट्राई टू डिफीट दिस गाय. स्वॉर्ड डांस, सेक्रेट डांस, सेक्रेट डांस करता हूँ. इसके ऊपर नाचता हूँ मैं. नाच मेरी जाना सुनकर. और ये हम लोग को इसने ऐसे ही हरा दिया. ओके, तो मेरे को थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ा. और डे 56 आई थिंक आ रहा है, 54 आ रहा है, याद नहीं है मेरे को इन दिस मोमेंट. रावण एंड देयर वी गो, वी हैव सक्सेसफुली एंडेड इट. तो हम लोग को और भी थोड़ा यहाँ पे मेहनत करना है दोस्तों. हमने की है मेहनत करना है. इज इट एपिक है ये. ओके, बस डिफीट ऐसे ही कराया जा रहा है भाई हम लोगों को. तो ये ओके, तो वो भी थोड़ा बहुत डैमेज ले रहा है. 73 पर है इसका फॉर सम रीजन हेल्थ. ओके, 57 पे है दिस मोमेंट. ओ डबल एज यूज कर रहा है जिसके वजह से उसको ये हो रहा है. और अपने आप को खुद को ये डैमेज कर रहा है. और ये हम लोगों ने इसको डिफीट कर दिया दोस्तों. आई नो दिस वाज इट. ओह हम लोग ऑलवेज ग्लासेस के साथ ही जाते. देखा ना, मजेदार दिख रहा हूँ ना. और हम लोग को वीनस राइट मिला है जो कि हमारे बल्बसोर को अगर मैं इवॉल्व करूँगा तो मेगा इसको दे सकता हूँ. ओके, तो ये बीच बायोम के तरह ही काउंट हो रहा है. वील हैव टू वेट फॉर स्क्वर्टल टू स्पॉन यहाँ पे. ओ नो, बारिश रुक गया. ऑलराइट दोस्तों, तो यहीं पे मैं खड़ा रहा. दो तीन दिन ऐसे ही निकल गया और मैं आया फालतूगिरी करते बैठा गया. तो फिर से बारिश हो रहा है यहाँ पे. बट आई डोंट नो कि स्क्वर्टल के लिए बारिश जरूरत है या नहीं है. बट आई वेट हियर एंड सी. बीच पे ही हूँ मैं. आई मीन आई थिंक जब तक बायोम इज स्पॉन्ड इन. ओ केल्डियो, आई थिंक हम लोग इसको पकड़ने का कोशिश भी कर सकते हैं यहाँ पे तब तक के लिए. ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग है डे 58 पे. उस दिन तो हम लोग को मिला नहीं था स्क्वर्टल. तो हम लोग का आखिरी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्शन जो कि है जो कंप्लीट करने के लिए अभी जा रहा हूँ. आई थिंक डॉन या डस्क टाइम हो रहा है. मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि शायद ये डॉन या डस्क टाइम में स्पॉन हो जाए करके. सो लेट्स सी, दैट्स अ क्रोगंक एंड यप. ऑलराइट दोस्तों, दिस इज डे 60. अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं. अभी अभी रात का टाइम हुआ है. ओ माय गॉड भाई, इससे पहले ये डी स्पॉन हो जाए मेरे को जाना पड़ेगा. और ये लेवल 11 का ही है. एंड इसका धीरे धीरे हेल्थ कम हो रहा है जो कि अच्छी बात है. इससे हम लोग का थोड़ा बहुत इसका कैचिंग परसेंटेज जो है वो हाँ मेरे को रन कर लेना चाहिए. या देर वी गो. ऑलराइट, तो फिर से एक और बार चालू करता हूँ दोस्तों बैटल. तो यहाँ पे हम लोग का एक मिनट अल्ट्रा वार्म होल भी यहाँ पे चला गया है दोस्तों यहाँ पे. मैन, सो ऑलराइट दोस्तों, दिस इज डे 72. और यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पे फिर से यही बीच के पास. एंड होपफुली, ओ माय गॉड, सिर भाई तू नहीं, भाई तू नहीं. स्क्वर्टल कही के स्क्वर्टल चाहिए हम लोगों को. आजा भाई स्क्वर्टल. एंड मेरे स्क्वर्टल को पकड़ लिया है दोस्तों. यस,
Yes. तेरी बारी है। ऑलराइट, डे 72 पे ही हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है अपना ऑब्जेक्टिव्स, तो बस अभी हम लोग को अल्ट्रा वॉर्म होल एक्सप्लोर करना है दोस्तों, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक लैटियोस दिख रहा है, लैटियास या फिर लैडियोस है वहाँ पे। अल्ट्रा वॉर्म होल्स ज़्यादातर ऐसी जगहों पे ओपन होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे वक्त बिताना पड़ेगा। और वहाँ पे एक लूट बॉल है, ऐसे कैसे नहीं दिखा भैया हम लोगों ने। नाइस, तो फिर रात होने का वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। एंड या तब तक के लिए मैं थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वेनिंग किया है, मैं जगह चेंज नहीं किया, यहीं पे बैठा हूँ मैं तब से ही। क्योंकि यहाँ पे हमारा शॉप सब कुछ है, तो वहाँ पे जाके मैं पोकेबॉल्स वो सब खरीदना वो सब कर रहा था। सो ऑलराइट दोस्तों, दिस इज डे 97। हम लोग सिर्फ 3 दिन बाकी है हम लोग का कंप्लीट करने में। और यहाँ पे देखो गए थे मैंने बहुत सारा यहाँ पे किया है, और यहाँ पे मैंने पोकेबॉल्स भी खरीद के रखा है, क्योंकि हम लोग ने इतने सारे पोकेबॉल्स को हराया कि हम लोग का पैसा भी मिला था। तो जेशन और ब्लेजिकल हमारा 100 लेवल का है, बाकी सारे 90-80 ऐसे लेवल पे है। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस अल्ट्रा वॉर्म होल यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये एक अल्टीमेट बॉस हम लोग का आया है यहाँ पे हमारे सामने, देखते हैं क्या हम लोग इसको डिफीट कर भी पाएंगे कि नहीं। सो देयर वी गो, हमारे जेशन बैटल स्टाइल में आ गया है, एंड वी विल गिव एंड क्लोज कॉम्बैट। और क्लोज कॉम्बैट से ज़्यादा इसको कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ, और इसने डिस्चार्ज किया जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है दोस्तों। तो वी विल डू सम फ्लेयर ब्लिट्स। ओके, ही इज डिफीटिंग आर गाइस स्टिल। ओके भाई, जो भी हम लोग जीते थे भाई वो टुक्का से जीते थे, वो तो पता ही चल रहा है यहाँ पे तो। फ्लाई मारता हूँ। ओके, फ्लाई से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। वेल दैट्स गुड, आई डिड नो दैट। ओके, वो क्यों अटैक किया उसने। ओके, सोलर बीम कर। ओके, तो हम लोग को इसके साथ पंगा नहीं लेना है, ये वाले पोकेमोन के साथ हम लोग किसी और पोकेमोन को ढूंढ लेंगे दोस्तों। कर रहे ऐसे टाइप हो जाएगा। सो रात हो रहा है, रात के टाइम में ये अल्ट्रा वॉर्म होल्स दिखते हैं ऐसे मेरे को हमेशा। ऐसे मेरे को लगता है कि मेरे को अपने पोकेमोन के ऊपर बैठ के उड़ के देखना चाहिए था कि कहाँ अल्ट्रा वॉर्म होल्स स्पॉन हुए है। तो जैसे ही रात होगा आई थिंक मैं निकल जाऊँगा अल्ट्रा वॉर्म होल। आई मीन हो गया है, अब हो गया है, तो चलो भाई। ओ डिट्टो, ओके डिट्टो भी यहाँ पे स्पॉन होते हैं इसके अंदर, वो नहीं पता था मेरे को। एनीवेज रात हो गया है दोस्तों, हम लोग अल्ट्रा वॉर्म होल्स के तरफ बढ़ रहे हैं। किधर है हम लोग को पता भी नहीं है, बट आई गेस वी विल फाइंड it very soon. या फिर this will be the end of the episode and बा दोस्तों। Well, I was very lucky, क्योंकि बिना मास्टर बॉल्स के, मैं मेगा बॉल बोलता हूँ हमेशा उसको। सो एनीवेज, तो मास्टर बॉल्स के बिना इट्स लाइक लेजेंडरी को पकड़ना मतलब
बहुत ही मुश्किल है बट मैंने कर दिखाया और वेल ऑसम आई एम हैप्पी. सो एनीवेज ओ हो रहा अल्ट्रा वॉर्म होल. मेरे को लगा आज का एपिसोड यही पे करना पड़ेगा. अच्छा आज के दो तीन दिन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं. ये क्या हो गया. ऑल राइट सो वी आर इन अल्ट्रा वॉर्म होल. बा ज़्यादा ही आवाज कर रहे हैं यहाँ पे. लैग बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों बाय द वे. ओके तो चलो दोस्तों क्या हम लोग को यहाँ पे नो डोंट गो इन देयर. क्या हम लोग भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे. तो क्या हम लोग को यहाँ पे भाई कहाँ उड़ रहा है. उड़े ही जा रहा है ये तो. ओके एक अल्ट्रा बीच मिलेगा क्या. रुकना पड़ेगा. ओके दैट्स एन अल्ट्रा बीच. ओके भाई कुछ भी हो भाई इसको तो पकड़ना पड़ेगा हम लोग को. व्हाट अ प्लेस ब्लेस फलान भगवा. ओके तो क्या मेरे पास गीगा इंपैक्ट भी था मैंने देखा नहीं. ओ नो मैंने इसको मार डाला. ड्रॉप ऑल भाई एकेंस अभी नहीं भाई. दिस इज नॉट टाइम टू वेस्ट. ओके तो जो मिला हम लोग को उसको भी हम लोगों ने मार डाला. बड़ी कॉमर्सिंग हो गया यहाँ पे. ओके तो हम लोग को एक और ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे पोकेमोन को. ओ भाई एक और अल्ट्रा बीच मिल गया है. ओके तो आई एग्जैक्टली डोंट नो. आई थिंक मेरे को इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए. चाहिए तो मैं बॉडी स्लैम कर सकता हूँ ट्राई कर सकता हूँ लेकिन आई डोंट थिंक हम लोग इसको इतना आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं. बस इसको मेरे को मारना नहीं है. ओके तो इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं कर पा रहा है ये बेचारा हम लोगों को यहाँ पे. अगर यहाँ पे मेरे को एक और अल्ट्रा बीज हम लोग ने पकड़ लिया है दोस्तों अल्ट्रा बीज को यहाँ पे. वेल ऑसम एंड आई थिंक दैट इससे भी अच्छा कुछ नहीं मिलेगा फाइनल एपिसोड के लिए. तो वी विल कंक्लूड दैट इट दोस्तों. दिस इज द 100 डेज डन इन पिक्सल मॉल. आई होप तुम लोग को पसंद आया है. अगर आप लोग को पसंद आया तो मेक श्योर टू ड्रॉप ए लाइक. और नेक्स्ट अगर मैं 100 डेज करना चाहूँ तो उस पर कौन से टॉपिक पे करना चाहिए लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड दैट इज इट फॉर टूडे गाइज. इट्स योर बॉय रावण लॉगिंग आउट. अब मैं बहुत थक गया हूँ. मेक श्योर टू ड्रॉप ए लाइक यार बहुत मेहनत की है. सो बाय बाय.